गोलियों की आवाज ने इटली के शहर मिलान की उस खामोश रात को दहला दिया। कुछ लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। एक आदमी अपनी वाइफ को उठाकर ले जा रहा था। एक लड़की उस आदमी के पीछे अपने बच्चे को उठाकर ले जा रही थी। बच्चे के रोने की वजह से पीछा करने वालों को उनकी लोकेशन इजीली पता चल रही थी। उस लड़की ने बच्चे का मुंह कवर किया था। बच्चे का वजन ज्यादा था जिसकी वजह से लड़की के लिए बच्चे को उठाकर भागना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी सांसें फूल गई थी। वो लोग नदी के किनारे पहुंच गए थे। जैसे ही वो लोग नदी के किनारे पहुंचे, वहां 5 बोट्स उनका स्वागत करने के लिए रुकी थी। उस आदमी ने अपनी वाइफ को एक बोट में बिठा दिया और उस आदमी ने बच्चे को उस लड़की की गोद से लिया। वो लड़की गहरी सांसें ले रही थी। वो आदमी लड़की को बिना देखे बोट पर कुछ चेक करने में लग गया। कुछ देर पहले ये सब क्या हुआ, इस बारे में सोच के घबराते हुए वो कांपने लगी। उसका दिमाग धुंधला हो गया था। अपने दिल को शांत करने के लिए उसने लंबी सांस ली। जब उसकी धड़कनें थोड़ी शांत हुई तो उसने बोट के आसपास देखा। उसका गला सूख गया था। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन इन सब के बीच में उसे पानी कहां से मिलता। कुछ देर सोचने के बाद वो खुद पे ही हंसने लगी। जहां वो खड़ी थी वहां एक तरफ बोट थी और दूसरी तरफ उसके सामने नदी थी, फिर भी वो एक घूंट भी पानी नहीं पी सकती थी। क्या उसकी किस्मत उसकी जिंदगी इतनी बुरी तरह से छीन लेना चाहती है। ये बात जनवरी महीने के बीच की बात थी, तो जाहिर सी बात है कि सर्दी पड़ रही थी। पूरा आसमान काले बादलों से भरा था। किसी भी टाइम बारिश स्टार्ट हो सकती थी। वो लड़की ठंड की वजह से कांप रही थी और अपना ध्यान दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आसपास देखा। उसके बाद वो लड़की बोट से उतरी और उतरते समय अपनी ड्रेस के अंदर पैरों के पास छुपा के रखा हुआ आर्मी नाइफ देखा। उस लड़की ने बाकी चारों बोट्स के इंजन से स्टार्ट किए और रेलिंग से बंधी हुई रस्सी को जल्दी से काट के डॉकयार्ड से अलग किया। उनकी बोट्स असामान्य तरीके से चलने लगी, लेकिन वो लोग सुबह होने का वेट कर रहे थे। अब वो गैंगस्टर्स उन लोगों को पानी में नहीं ढूंढ सकेंगे। उस छोटे बच्चे ने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। उसके रोने की आवाजें हर तरफ गूंज उठी। इस वजह से लड़की परेशान हुई। रात बेहद शांत थी और नदी के आसपास कोई नहीं था। इस शांत रात में सिर्फ बच्चे की आवाज जोर से और साफ सुनाई दे रही थी। लड़की ने सोचा, ये बच्चा उन्हें इस मुसीबत के टाइम इस तरह रोकर धोखा क्यों दे रहा है। इतनी ठंड होने के बाद भी उसे पसीना आ रहा था और जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वो वीक होती जा रही थी। लड़की ने अपनी पीठ को हाथ लगाया जहां से उसका खून बह रहा था। फिर उसे याद आया कि ठीक 10 मिनट पहले उस लड़की ने एक आदमी को बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले ली थी। जैसे जैसे पैरों की आवाजें पास आ रही थी, वैसे ही वो डर के जल्दी से बोट पे चढ़ने लगी। इससे पहले कि वो बोट पे चढ़ती, एक गोली उसके कंधे को आके लगी। वो लड़की दर्द की वजह से बेहाल हो गई थी। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से वो नदी के किनारे बैठ गई। वो पहले से ही बहुत कमजोर थी और दूसरी गोली लगने के कारण उसकी कंडीशन और भी खराब हो गई थी। लड़की अपने बच्चे को जैसे बुरी तरह से मारना चाहती थी, क्योंकि उसके रोने की वजह से ही उसे गोली लगी थी। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी, आखिर ये उसका ही बच्चा था और वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। लड़की ने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके लंग्स उसके शोल्डर्स में दर्द की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसे बहुत पसीना आ रहा था और खून की लगातार कमी के कारण उसकी बॉडी पीली पड़ने लगी थी। पूरा आसमान लाल बादलों से भरा था। बादल भारी और उदास लग रहे थे। आसमान में चांद का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है वहां तारे हों भी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर लड़की ने उस लड़के की तरफ देखा। वह बोट का इंजन शुरू करने वाला था, लेकिन उस लड़की को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधला था। वो लड़की जीना चाहती थी। वो लड़की इस खूबसूरत दुनिया में खुशी से रहने की कामना करती थी।
अभी तो उस लड़की को और बहुत कुछ देखना बाकी था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। उस लड़की ने अपने अंदर हिम्मत जगाई। उसे बोट में जाना था। तभी फिर से गोलियों की आवाज आई। जैसे ही वह लड़की उठ के बोट की तरफ पहुंची तो तीसरी गोली उसके घुटने के नीचे उसके बाएं पैर में लगी, लेकिन चौथी गोली मिस हो गई। वो जो दर्द महसूस कर रही थी वो असहनीय था। उसके लिए पहले से ही उठना मुश्किल था और इस गोली ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी थी। फिर वो खांसने लगी और उसने देखा कि खून अब मुंह से भी आ रहा था। उसे एक बात समझ में आ गई थी, उसका बचना मुश्किल है, और अगर वो बच भी गई तो भी वो लोग उसे ढूंढकर मार देंगे। वो लड़की सोचने लगी, उसकी वजह से आज उसके सबसे खास शख्स को चोट लगने वाली थी। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो उसके कितने करीबी लोगों को उसकी वजह से परेशानी झेलनी होगी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। पहले तो बहुत धीरे बारिश पड़ रही थी, फिर अचानक बारिश तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश भी उसके दुर्भाग्य के कारण रो रहा है। इस सर्द रात में ऐसी भारी बारिश ने उसके पूरे शरीर को मानो जमा दिया था। उसी समय उसने एक फैसला लिया। वो परेशान होकर जोर से चिल्लाना चाहती थी। ये एक शारीरिक दर्द नहीं था, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। अपनी आखिरी बची हुई शक्ति के साथ उसने चुपचाप अपनी बोट की रस्सी को काट दिया। वो लड़की उन लोगों के पैरों की आवाजों को सुन सकती थी। वो लोग उसी की तरफ आ रहे थे। फिर एक आवाज के साथ बोट स्टार्ट हो गई। जैसे ही बोट शुरू हुई, बोट और उस लड़की के बीच की दूरी और बड़ी होती जा रही थी। उस आदमी ने अचानक पीछे देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसके चेहरे पर जैसे अविश्वास लिखा हुआ था, लेकिन वो एक कदम भी नहीं चल सका। वो उसी जगह पे खड़ा रह गया। वो लड़की उस नदी के किनारे पे थी, बिल्कुल थकी हुई और पूरी तरह खून में लथपथ। वो लड़की निराश और दुखी लग रही थी। वो लड़की उस लड़के को देखकर मुस्कुराई। उसकी ये मुस्कान पहले जितनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन एक अलग खुशी से भरी मुस्कान थी। मानो वो लड़की उस लड़के को बताना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन त्याग कर रही हूँ, इसलिए अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से और खुशी से जीना। उस लड़की ने देखा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और गहरा होता जा रहा था। इससे पहले कि वो लड़की कुछ और करती, उस लड़की के सर पर अचानक जोर से कुछ आ लगा। फिर समय जैसे उसके आसपास रुक गया और खून ने उसके पूरे चेहरे को ढक लिया था। इससे पहले कि वो अपना होश खोती, वो उस लड़के को याद करते हुए अपने मन में बोली, अलविदा मेरी जान। इसके बाद सब कुछ गहरा अंधकार सा हो जाता है। उसके बाद उस लड़की का निर्जीव खून से लथपथ शरीर नदी में गिर जाता है, और इस तरह उसके खून से मिलान शहर में एक और नदी बन गई। उस लड़की के दिमाग में कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। शाम का समय था, एकदम साफ आकाश के नीचे, पार्क में एक पेड़ के नीचे पहली बार मैंने तुम्हें देखा। पहली नजर में मैं तुम पे फिदा हो गई। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। हालांकि तुमने मुझे अच्छे से देखा भी नहीं था, लेकिन इस बात का मुझ पर थोड़ा भी असर नहीं हुआ। उसके बाद एक महीने के लिए तुम हमारे कंप्यूटर टीचर बन गए। मुझे लगा ये सब किस्मत का खेल है। सबसे पहले ऐसा लगा कि तुम्हें अपना बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम्हें एक बात तो पता ही नहीं थी, और वो ये थी, मैं उन लोगों से दोस्ती करने में अच्छी थी जो शांत पर स्ट्रांग और दुनिया से अलग होते थे। देखो, एक हफ्ते के अंदर ही हम दोस्त बन गए। हमारी पहली कॉन्वर्सेशन, पहली मुस्कुराहट, पहला प्रोजेक्ट, पहली तारीफ, पहली थपकी सिर पर, हमारा वो पहला हग, एक ही छत के नीचे
पहली बार एक साथ, छत पर पहला लंच एक साथ। तुम हमेशा मुझसे अच्छे से पेश आते, तुमने हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया, तुमने मेरे लिए मुश्किल चीजों को हमेशा आसान बनाया। जब मुझे अपने ग्रुप के साथ टैलेंट अवार्ड मिला तो एक तुम ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया। तुम्हें पता था कि मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं है, इसलिए तुमने मुझे सलाह दी कि जो मुझे पसंद हो और जिसमें मुझे खुशी मिले मैं वो ही करूं। लेकिन मैंने पहले से ही एक रास्ता निकाल लिया जो मुझे पसंद नहीं था। क्या तुम ये जानते थे? उस एक महीने तक खूबसूरत यादें हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहेंगी। तुमने जाने के बाद भी हमेशा मुझसे कॉन्टेक्ट रखा, बार बार कोई ना कोई ऐसी वजह मिल जाती थी जिससे मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। हम तुम्हारे परिवार से भी मिले थे, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी बहुत केयर कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें किस तरह छेड़ रहे थे जब तुम मुझे उनके पास मिलने ले गए थे? उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं पहली ऐसी लड़की थी जिससे तुमने नॉर्मल तरीके से बात की थी। तुमने मुझे अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए भी कहा था। उस समय क्या तुम जानते थे कि मैं कितना खुश थी? क्या तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी? मैं हमेशा हमेशा तुम्हें ये कहते हुए सुनना चाहती थी, आई लव यू। लेकिन जो 5 महीने खुशियों से भरे थे वो अचानक खराब होने लगे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तुम मुझे इग्नोर करने लगे, तुम्हारे बात करने का तरीका बदलने लगा। क्यों? ऐसा क्यों किया? मेरी गलती क्या थी? तुम अचानक मुझसे नफरत क्यों करने लगे थे? क्या तुम्हें पता है ये सब मेरे लिए कितना दर्दनाक था? काश मुझे वो रीजन पता चल पाता कि क्यों तुमने खुद को मुझसे दूर कर लिया है। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने सवालों के जवाब मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बातों को समय पे छोड़ देना चाहिए, हालांकि वो समय कभी आया ही नहीं। तुमने 1 महीने बाद शादी कर ली। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। मेरे दिल का दर्द अचानक इतना बढ़ गया कि मैं थोड़ी देर के लिए सांस लेना ही भूल गई थी। मेरे दिल की धड़कनें लगभग रुक सी गई थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि कैसा लगता है जब कोई आपके दिल को तोड़ देता है। तब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते थे, है ना? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। क्या तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते थे, या फिर बस मुझे टॉर्चर करना चाहते थे? मुझे मेरे इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि मुझे उन्हें खोजने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे एक बात पता है, तुम मुझसे नाराज थे, इसलिए मुझे हर्ट करने के लिए तुमने ये सब किया। अगर तुम सिर्फ मेरी बहन से ही शादी करना चाहते थे तो मेरे इतना करीब क्यों आए? मुझे ऐसा क्यों महसूस कराया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हूं? अब तुम मुझे अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो? ठीक है, मैं भी एक वादा करती हूं, आज से मैं भी सब कुछ भूल जाती हूं, जब तक मैं तुमसे ये कहते ना सुन लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तब तक के लिए इन प्यारी यादों को अलविदा। ये तो घड़ी की टिक टिक की आवाज है। आंखें खोलना क्यों मुश्किल हो रहा है? मुझे कोशिश करनी है। कुछ देर बाद प्रिया ने अपनी आंखें खोली। यहां तो बहुत रोशनी है। उसकी आंखों को एडजस्ट होने में कुछ समय लगा। उसने छत की तरफ देखा, लेकिन सब कुछ अनजान सा था उसके लिए। फिर उसने अपने कमरे में चारों तरफ देखा। गुलाबी रंग का बड़ा सा कमरा, जरूरत की हर चीज से भरा हुआ। पैसे का जादू उस कमरे में हर तरफ दिख रहा था, लेकिन सब अनजान ही था। बाईं तरफ एक खुला दरवाजा था, वहां से धूप आ रही थी। हाँ, लेकिन कमरा था बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी राजकुमारी का कमरा है। ये सब देखकर उसकी आंखें चमक गई थीं।
वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उसे किसी का ध्यान नहीं था कि उसके पास एक कुर्सी पर बैठी एक नर्स थी जो टेबल पर सिर टिकाए सो रही थी और प्रिया बिस्तर पर थी। उसका पूरा शरीर जकड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत लंबे समय से सो रही थी, इसलिए उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो फिर वो लगभग गिर गई। जल्दी से उसने बिस्तर पकड़ लिया और वहीं बैठ गई। खड़ा होना उसके लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने कुछ देर इंतजार किया। कई बार उसने कोशिश की कि वो खड़ी हो जाए, लेकिन हर बार नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के निचले हिस्से में कोई ताकत नहीं थी। जब भी वह उठना चाहती थी उसके पैर जोर से कांपने लगते थे। धीरे धीरे उसने कुछ गहरी सांसें ली और बार बार कोशिश की। चौथी बार में वो खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज की जरूरत थी जिसे वो पकड़ सके। दीवार को पकड़ते हुए उसने अपना संतुलन बनाए रखा और वह धीरे धीरे बैल्कनी की ओर चली गई। बैल्कनी को देखते ही उसके दिल ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह क्या बड़ी बैल्कनी है। उसे ये देख के इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि उसने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई। फिर उसने चारों ओर सुंदर दृश्यों को देखा। हालांकि ये जगह उसके लिए अनजान थी, उसने महसूस किया कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही आरामदायक था। आसमान साफ था, सूरज भी खूब चमक रहा था, वहीं आकाश में सफेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। बैल्कनी के नीचे एक सुंदर सा गार्डन था। इतनी हरियाली देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी और उन हवाओं में फूलों की सुगंध भी मिली हुई थी, लेकिन उसे वहां कोई फूल नहीं दिख रहे थे। उसने चारों ओर देखा तो उसे छोटे छोटे गमलों में फूलों के पौधे दिखाई दिए। पौधों पर सफेद फूल थे और उनमें से बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। उसने कोने पर एक झूले को देखा और ये लकड़ी से बना था और उस पर कुछ तकिए थे। उसे अचानक ही बहुत खुशी महसूस हुई। वह झूले के पास गई और उस पे बैठ गई। झूला इतना सॉफ्ट था जैसे कि एक बिस्तर। वह लगभग लेट गई। उसे वहां बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्रिया अभी भी कुछ समय के लिए वहां रहना चाहती थी, लेकिन उसके पेट से कुछ आवाजें आ रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसे कितनी भूख लगी थी। वह धीरे से उठी और कमरे के अंदर चली गई। उसने भोजन की तलाश करना शुरू की और फिर उसकी नजर उस नर्स पे गई। धीरे से वो उसके पास गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे पता क्या करना है। वह थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। फिर उसने उसे बुलाने के लिए अपना मुंह खोला। एक्सक्यूज मी, खुद की आवाज सुनकर वो रुक गई। उसे बहुत अजीब लगा। उसे खुद की आवाज किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसने जोर से अपना गला साफ करने की कोशिश की। शायद उसकी अजीब आवाज सुनकर नर्स ने आंखें खोली। वाह, प्रिया को सामने खड़ा देखकर, जिसके उठने की उस नर्स को उम्मीद नहीं थी, उसे देखकर नर्स लगभग कुर्सी से गिर गई। अचानक नर्स की चीख सुनकर प्रिया चौंक गई। नर्स ने कहा, मैडम आप उठ गई। France, Paris, at Residence du Palais Dior. अक्टूबर का महीना था, आसमान साफ था, सूरज भी अच्छे से चमक रहा था, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। अजय जो अपने स्टडी रूम में थे, वो अच्छे मूड में नहीं लग रहे थे, बल्कि वो काफी उदास लग रहे थे, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह से उसके विपरीत लग रहे थे। अजय प्रिया की रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे। 9 महीने हो गए थे और वो कोमा में थी। अब जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, और ये सारा मामला उसके जागने से पहले का है। अजय ने भारी मन से सिग्नेचर किया। वो कुछ करना चाहता था, उसे अपने साथ ले जा रहा था। कौन जानता था कि उसकी बहन मना कर देगी और उसके आदमी फायरिंग शुरू कर देंगे। अब जब प्रिया इस हालत में थी, ये सब उसकी गलती थी। पहली बार जब अजय प्रिया से एक सेमिनार में 2.5 साल पहले मिला था,
वो मार्च का महीना था। उसे वो सब कुछ अच्छे से याद था, जब लंदन यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक कंपटीशन के लिए उसे भी रेडी करने आए थे। नए खिलाड़ियों के रूप में उन्होंने वास्तव में अच्छा किया। जजेस उन सबसे बहुत प्रभावित हुए। निश्चित रूप से प्रिया उनमें से एक थी। उन सबसे ज्यादा अजय प्रिया के प्रति ज्यादा आकर्षित था। सिर्फ उसकी सुंदरता ही नहीं, उसके टैलेंट को देखकर भी अजय प्रिया की तरफ आकर्षित हो रहा था। जिस चीज को वो सबसे ज्यादा पसंद कर रहा था वो थी उसकी काली आंखें। प्रिया की आंखें काफी खूबसूरत थी। जिस वक्त अजय ने प्रिया की आंखों को देखा, वो अपनी नजरें उसकी आंखों से हटा ना सका। अजय ने प्रिया की खूबसूरत मुस्कुराहट को देखा। अजय ने प्रिया को बात करते, कॉम्पीट करते, मस्ती करते, खाते नाचते गाते गपशप करते देखा। प्रिया के बारे में अजय को सब कुछ बहुत अच्छा और आकर्षक लग रहा था। अजय ने प्रिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जुटा ली थी। प्रिया एक एक्सपर्ट डिजाइनर थी। उसने पूरा गेम भी डिजाइन किया। उसके गेम्स में कोई दोष नहीं था। उसने गेम्स के कैरेक्टर्स को अच्छे से दिखाया था और इन गेम्स को बनाने के पीछे उसका रीजन बिल्कुल क्लियर था। यहाँ तक कि उसकी योजना और समय भी सटीक थे। उसके बनाए हुए गेम्स भी बहुत अच्छे थे। वो जानता था कि अगर प्रिया के गेम्स लॉन्च हो गए तो वो बहुत जल्दी ही पॉपुलर हो जाएंगे। आखिर में अजय ने इस खेल को खरीदने के लिए एक बहुत अच्छी प्राइस प्रिया को ऑफर की। प्रिया और उनकी टीम ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के बाद सहमति व्यक्त की। उन्हें पता था कि उनके पास गेम को लॉन्च करने के लिए पैसे और रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए वो लोग मान गए। बाद में अजय ने पता लगाया कि आधा पैसा प्रिया की यूनिवर्सिटी को जाने वाला है और आधा पैसा प्रिया और उसकी टीम में बांट दिया गया था। और उस पैसे से प्रिया ने अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदा था। उस कॉम्पिटिशन के बाद अजय ने खुद 4 लैपटॉप की व्यवस्था की, जिन्हें अजय ने प्रिया की टीम को भेजा। प्रिया को खुद के लिए केवल लैपटॉप मिला बल्कि ब्रांडेड मोबाइल, टैबलेट और दूसरे गैजेट्स भी मिले। अजय को अभी भी अपने साथ काम करने वाले साथी का चेहरा याद आ रहा था, जो उसके बॉस को देख रहा था जब वो सारे गैजेट्स उन स्टूडेंट्स को दे रहा था। जब अजय के साथी ने प्रिया की टीम को गैजेट्स दिए तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन जब उसके बॉस ने उसे प्रिया और उसकी टीम की हर हरकत पर नजर रखने के लिए कहा तो उसे कोई शक नहीं हुआ। बैम, अजय अतीत को याद कर रहा था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से वह गुस्से में चौंक गया। इससे पहले कि उसे कुछ कहने का मौका मिलता, डॉक्टर विशाल कमरे में आ गए। अपने डॉक्टर मित्र को हाफते हुए बाहर निकलते देख वो उठ गया। शायद प्रिया को कुछ हो गया, उसने सोचा। वो जाग गई है। इससे पहले कि डॉक्टर विशाल अजय से कुछ कहते, अजय एक तूफान की तरह उस कमरे में चला गया। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे ही अजय उस कमरे में गया जहां उसने प्रिया को रखा था, वहां उसने प्रिया को नर्स के साथ खुशी खुशी बातें करते और नाश्ता करते हुए देखा। पूरा कमरा सूरज की रोशनी से चमक रहा था। सूरज की रोशनी ने उसके शरीर को और भी ज्यादा चमका दिया था। उसकी प्यारी मुस्कान और दमकती आंखों को देखकर उसे लगा कि उसके कंधों से भारी बोझ हट गया है। अजय मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि लगता है कि वो ठीक कर रही है। अजय ने दरवाजा धीरे से खटखटाया और दोनों महिलाओं ने दरवाजे की तरफ देखा। अजय ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद वह प्रिया के सामने बैठा। प्रिया अजय से बोलती है, मेरे ख्याल से आप महान हैं अजय। अजय ने अपनी भौहों को ऊपर उठाया। महान? हाँ, नर्स आशा और आपकी कुक मीना ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। वैसे आपकी कुक टेस्टी खाना बनाती है। अजय का चेहरा काला पड़ गया था। वो कहता है, मैडम, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें मुझसे ज्यादा खाना पसंद आ रहा है। वो वास्तव में परेशान लग रहा था। प्रिया बोलती है, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपने मेरा इतना ख्याल रखा। आप तो बिल्कुल किसी हीरो की तरह है, वैसे बल्कि किसी हीरो से भी कहीं ज्यादा हैंडसम है। अजय बहुत खुश हुआ जब प्रिया ने उसे हैंडसम कहा।
फिर अजय ने अपना हाथ बढ़ाकर सावधानी से पूछा, क्या आपको याद है आप कौन हैं? 9 महीने पहले। सभी जांचों के बाद विशाल ने कहा, उसका सर भारी रूप से घायल हो गया है। जिस तरह से उसके ब्रेन को डैमेज किया गया है कि मैं हैरान हूं कि वो जिंदा है। जब वो उठेगी तब वो अपनी मेमोरी भूल चुकी होगी, मेरा मतलब अगर वो उठ भी पाए तो। जैसा कि डॉक्टर ने ये कहते हुए दबाव दिया तब अजय उस पर गुस्सा हो गया। डॉक्टर विशाल बोलते हैं, अरे अरे मुझ पे गुस्सा मत करो, हम डॉक्टरों ने असंभव को संभव करने के लिए बहुत मेहनत की। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो अपने आदमियों को मारो जिसने उसे इस हद तक चोट पहुंचाई कि वो अब कोमा में है। उन्हें जिंदा जला दिया गया है, अजय ने गुस्से में कहा। डॉक्टर को यह सुनकर झटका लगा। खैर वे इसके हकदार थे, पता नहीं वे क्या सोच रहे थे। और क्या, जैसे ही अजय ने पूछा डॉक्टर विशाल ने सोचने के बाद फिर से उन्हें जवाब दिया, उसकी बुलेट की चोटों के कारण उसे एनीमिया हो गया और हमने आपका खून ट्रांसफर कर दिया जैसा कि आप चाहते थे। उसकी सांसें नॉर्मल हैं और उसके सिर की चोट बहुत ज्यादा गंभीर है। सिर की चोट से बचे लोगों को न्यूरोपैथोलॉजिकल समस्याओं का अनुभव हो सकता है एक दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के बाद। उसके हिसाब से मस्तिष्क और चोट की गंभीरता के हिस्से के आधार पर किसी एक व्यक्ति पर परिणाम बहुत भिन्न हो सकते हैं। पर्सनालिटी में चेंज, मेमोरी और निर्णय की कमी, चीजों को कंट्रोल ना कर पाना और कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना सभी आम है। फिर उन्होंने अजय के कंधे पर थपथपाया, आपको मजबूत होना होगा मेरे दोस्त। अपने सबसे अच्छे दोस्त की नर्म आवाज को सुनकर उन्होंने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा, उसकी अच्छी देखभाल करें। डॉक्टर ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। ये कहने के बाद डॉक्टर उस रूम से बाहर आ गए। अजय के लिए वो जो भी कर सकता था वो जरूर करेगा। 9 महीने बाद नर्स आशा ने कहा, मैं प्रिया हूं। आशा ने बताया था कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे सिर में गंभीर चोट लगी थी, इसलिए मैंने अपनी याददाश्त खो दी। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। हाँ, उसने ये भी कहा कि मुझे जो भी जरूरत हो तो वो मेरी मदद करेगी। ये नर्स बहुत बातूनी है, अजय ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। अजय, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? प्रिया ने टेबल के नीचे अपने ते हुए उससे पूछा। अजय, वो उस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। हेलो अजय, आप कहाँ खो गए? प्रिया ने उसकी आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाया। फिर अजय ने बोला, क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, पूछो आप क्या पूछना चाहती हो? प्रिया अजय से थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है, क्या आप मेरा नाम जानते हैं और शायद आप मेरी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी जानते होंगे, क्या आप उन्हें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। अजय ने प्रिया की गहरी काली आंखों में देखा। फिर अजय ने कहा, आपकी माँ जब 23 साल की थी तो उनकी मौत हो गई। आपके पिता, उनकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। आपकी माँ ने शादी नहीं की थी, इसलिए आपके असली पिता को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, और आपके कोई भाई बहन भी नहीं है। अजय की बात खत्म होने के बाद उसने प्रिया के दोनों हाथों को हल्के से दबाया। ये सब सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया था। वो बोली, तो मैं इस दुनिया में अकेली हूं। ऐसा कहकर उसकी आंखों की चमक बुझ गई। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे पास। तुम्हारे पास ये घर है, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तुम जहां जाना चाहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम जब तक चाहोगी तब तक यहां रह सकती हो। शायद प्रिया जो सोच रही थी उसकी आंखों में पढ़कर अजय ने उन शब्दों को एक सांस में कह दिया। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। प्रिया सोचती है कि ये आदमी वो सब कुछ समझ जाता है जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो भी मेरे बिना बोले।
जब मैंने पहली बार अजय को दरवाजे से आते देखा तो मैं अपनी आंखें उससे नहीं हटा सकी। वो 6 फीट लंबा पतला सा लड़का, उनके गहरे भूरे बालों ने उनके चेहरे को और आकर्षक बना दिया था। उनके चेहरे का सबसे आकर्षक हिस्सा उनकी सागर जैसी नीली आंखें हैं, और सुंदर हिस्सा उसके होंठ, गुलाबी सुंदर होंठ। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सिर हिला दिया। प्रिया ने खुद को अंदर ही अंदर डांटा और कहा कि क्या भगवान ने उसकी मेमोरी इसलिए खत्म की थी कि वो ये सब सोचे। अजय ने उसे चुप देखकर चिंतित होकर पूछा, क्या आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं? फिर प्रिया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं सचमुच, और उसने आंखें मूंद ली। अजय ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मैं आपके डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाता हूं। इससे पहले कि वो अजय को रोकती, डॉक्टर विशाल कमरे में आ जाते हैं। सॉरी इस तरह से आपके कमरे में आने के लिए, लेकिन मुझे अपने पेशेंट का चेकअप करना है। अजय का चेहरा सीरियस हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है। डॉक्टर प्रिया से कहता है, हेलो माय स्वीट पेशेंट, मैं विशाल आपका पर्सनल डॉक्टर, हमेशा आपकी सेवा में। वो मैं ही हूं जिसने पिछले 9 साल तक आपकी देखभाल की थी। प्रिया ने मन में सोचा, स्वीट पेशेंट, ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर विशाल दिल ही दिल में रोते हुए भगवान से कहता है, ओ गॉड, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आपने मुझे इतनी सुंदर पेशेंट की सेवा करने का मौका दिया, और जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में मैं कामयाब रहा। चेकअप के बाद डॉक्टर विशाल ने उससे कहा, आप आज आराम कर सकती हैं और कल से आप घर के अंदर चल सकती हैं। दौड़ने की कोशिश मत करना और अचानक से कोई भी काम मत करना, अपने शरीर को थोड़ा एडजस्ट होने का मौका दें। आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं, इसलिए अब आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना डाइट ठीक से लेना होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो नर्स आशा को बताएं, ठीक है? ठीक है, उसने खुशी से सिर हिलाया और डॉक्टर को थैंक यू कहा। नहीं नहीं, थैंक्स की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। फिर उसने अंधेरे में खड़े अजय को देखा। डॉक्टर सोचने लगा, अजय इतनी सी बात पर जलस नहीं हो सकता है ना, मैंने सिर्फ पल्स की जांच के लिए उसका हाथ छुआ। ये सोचते हुए उसके सिर से बाएं तरफ के गाल तक पसीना आ गया। फिर भी हिम्मत जुटा के वो उससे बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना चाहा, उससे पहले ही प्रिया ने अजय का हाथ पकड़ लिया। लेकिन मैंने अभी भी अजय से बात करना बंद नहीं किया, उसने कहा, अज्जू, क्या निकनेम सोचा था उसने उसके बॉस के लिए। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए डॉक्टर विशाल ने अजय को देखा और एकदम से चुप हो गया। अजय प्रिया की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ को हल्के से दबा रहा था। फिर अजय प्रिया से कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, हम कल बात करेंगे। अब थोड़ा आराम करने के बारे में आप क्या सोचती हो? आप तरोताजा महसूस करेंगी और हम कल तक जब तक चाहें तब तक बात कर सकते हैं, ठीक है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर मैं आराम करने जाती हूँ, चलो कल बात करते हैं। डॉक्टर विशाल ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, प्यार इंसान को बदल देता है। वो दोनों प्रिया को छोड़ के बालकनी में चले गए। प्रिया ने एक लंबी सांस ली। अगली सुबह जागने के बाद जो कुछ भी उसने वहां देखा वो उसके लिए बिल्कुल अनजान था, यहाँ तक कि वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। उसे याद ही नहीं था कि वो कौन है, वो अपने आसपास के लोगों को भी नहीं जानती थी। उसके दिल में डर की भावना आ रही थी। कोई भी व्यक्ति किसी और की निराशा की भावना को तब तक नहीं समझता जब तक कि वो खुद उस स्थिति से ना गुजरा हो। वो आदमी अजय, उसके चेहरे पर एक राजा की तरह चमक थी, वो कुछ अलग ही लग रहा था, लेकिन साथ ही उसने उसे सेफ फील कराया। हालांकि वो नर्स आशा और कुक मीना पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। शायद अजय को इसका एहसास हो गया था। जब उसने उसके हाथों को छुआ तो उसके हाथ बहुत गर्म थे, तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने अपने हाथों को देखा जहां उसने छुआ था। उसने उसके बारे में जो कहा उसे सुनकर वो अंदर से थोड़ा खाली महसूस कर रही थी। क्या वास्तव में उसका इस दुनिया में कोई नहीं था?
क्या वो अपनी जिंदगी का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा भूल गई थी? ये सब सोचकर उसने अपनी नाइट शर्ट को अपने सीने के और करीब कर लिया। दुख की वजह से उसका दिल रो रहा था। मैं अपनी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भूल गई हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब मैं सिर्फ इस हॉट एंड हैंडसम अजय पर ही डिपेंडेंट हूँ। जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता, मुझे उसकी बातों पर भरोसा करना होगा। उसके दिल से एक गहरी आह निकली। जैसे ही अजय और डॉक्टर विशाल स्टडी रूम की ओर जा रहे थे, विशाल ने अपने दोस्त के चारों ओर एक चमक देखी। यार सच में? विशाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। क्या सच में? अजय ने जवाब दिया और चलता रहा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान डरावनी है, विशाल मन ही मन बोला। अपने लिए जल्दी से गर्लफ्रेंड ढूंढो, क्योंकि तुम जेलस हो रहे हो। अजय ने अपने दोस्त की बात को इग्नोर किया और उसकी बोलती बंद कर दी। तुम बहुत क्रूएल हो, विशाल मन ही मन में चिल्लाया। वे दोनों स्टडी रूम में गए और सोफे पर बैठ गए। तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? अजय ने सीधे विशाल से पूछा। विशाल का चेहरा अजय की बात सुनकर गंभीर हो गया। मुझे लगता है कि वह अच्छी तरह से ठीक हो गई थी। हम उसके ब्रेन की डैमेज के बारे में परेशान थे, क्योंकि वह हम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती है, पर फिर भी एक अच्छी बच्ची की तरह उसने काम किया, तो मुझे लगता है कि वो अब ठीक है। अब मुझे समझ आया कि तुम उसकी ओर क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे, न केवल उसकी ब्यूटी के लिए, बल्कि वो कितनी स्मार्ट है इसलिए भी। उसे देखो, उसने अपनी याददाश्त खो दी, लेकिन उसकी टैक्टिक्स नहीं। अजय की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसका दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा था। लेकिन अगर वो अपने अतीत के बारे में पूछती रहती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या होगा अगर वो वापस जाना चाहेगी? तो वापस उसके पास? उसकी आवाज एकदम धीमी सी हो गई। वैसे तुम उससे झूठ क्यों बोल रहे थे? विशाल के सवाल ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। मैंने कब उससे झूठ बोला? विशाल ने अजय के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए। ये प्रिया के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसपे लिखा था नाम प्रिया, आयु 23 साल, जन्म तिथि 14 जुलाई, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच, त्वचा का रंग व्हाइट, हेयर डार्क ब्राउन, आईज ब्लैक, लिप्स रोजी पिंक, स्किल पेंटिंग, पियानो बजाना, गाना, हॉबी पेंटिंग, डिजाइनिंग गेम्स, पर्सनालिटी हसमुख बुद्धिमान, जानती है कि कैसे एक्ट करना है, शिक्षा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लंदन यूनिवर्सिटी, पता लंदन, पिता अशोक, माँ सीमा, भाई बहन अंजलि, बड़ी बहन। विशाल ने फिर कहा, दस्तावेजों में लिखा है कि उसके माता पिता के साथ साथ उसकी बड़ी बहन भी जिंदा है, और वो सब बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, दरवाजे से आवाज आई। राजीव, जो अजय का भाई था, वो दरवाजे के पास खड़ा था। राजीव सिंह हाउस का दूसरा लीडर था। वो यूरोप के अंडरवर्ल्ड का राजा था। वह हर समय हसमुख रहता था, लेकिन जब वह सीरियस होता तो उससे बड़ा हत्यारा और दूसरा कोई नहीं था। अजय का एक और भाई था करण, जो हॉलीवुड में एक पॉपुलर एक्टर था, जिसने मुंबई बॉय बिलियनियर जैसी फिल्में की थी। वो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर था। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल अभी भी एक अच्छे लाइफ को ठोकर मार रहा है ना? राजीव, तुमने पिछली बार जो भी किया, उसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? विशाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, विशाल तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड एक स्टाइल की जरूरत है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मुझे मत ब्लेम करो कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे छीना। वो बोर होकर खुद मेरे पास आई थी, राजीव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। राजीव तुम इसे बंद करो, तुम दोनों, एक तेज आवाज ने उस कमरे में शांति भर दी। अजय ने आह भरते हुए कहा, उनका एक जैसा नाम क्यों है? राजीव को बात करने का एक पॉइंट मिल गया था। उसने विशाल की ओर देखा। आपने कहा था कि मेरे भाई ने प्रिया के पेरेंट्स के बारे में झूठ बोला है। आप गलत हैं। प्रिया की लाइफ उतनी सीधी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। उसकी माँ सीमा नहीं, बल्कि उसकी जुड़वा बहन सुप्रिया है, इसीलिए सीमा और प्रिया का चेहरा मिलता है। उसके बाप का मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। विशाल को अब कुछ समझ में आने लगा था। तो इसलिए उसके उन ढोंगी माँ बाप ने उसके लापता होने पर भी कोई हंगामा नहीं किया। कितने जालिम है वो।
उन्होंने उसे पाल कर बड़ा किया तो फिर क्यों? ऐसा मत कहना कि ये सब उस लड़के के कारण हुआ है। राजीव फिर से मुस्कुराया। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है कि वो अपनी बहन से शादी करने वाले लड़के से प्यार करती है। क्या होता अगर वो अपनी बहन की खुशियां छीन लेती तो? पेरेंट है ना, वे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की परवाह करेंगे। उन्होंने उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जिसने लगभग अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया अपनी बहन और उस सो कॉल्ड फैमिली के लिए। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। अब अजय ने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए। क्या तुमने वो खत्म किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? उसके भाई ने सिर हिला दिया। हाँ, मैंने उन्हें कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। बस आशा करते हैं कि वे मेरे जाल में फंस जाएं और कभी मेरी होने वाली भाभी की तलाश ना करें। वैसे प्रिया अब कैसी है? अच्छी है। क्या वो अभी भी उसी को तलाश रहा है? अजय ने पूछा। राजीव सोचते हुए बोला, मुझे वो आदमी नहीं मिला, वो आदमी जिसने उसकी बहन से शादी करके उसे चोट पहुंचाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी लाश को ढूंढने के लिए इतना बेताब क्यों है। विशाल ने कहा, मुझे मत बताओ कि वो कितना सीरियस था उसके लिए। उसे खुश करने के लिए ही इतने लंबे समय तक वो सब सैक्रिफाइस कर रही थी और वो ये सब देख रहा था। मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ। अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरा मतलब है, उसे 3 गोलियां लगी और फिर भी वो कंगारू की तरह कूद रही है। कैसे? पावर ऑफ लव की वजह से? अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी। विशाल गुस्से में कहते हुए उठ गया। उफ, इससे पहले कि मैं ये सब सुनकर खून खराबा करूं, मुझे यहां से बाहर ही निकल जाना चाहिए। मैं जा रहा हूं, मेरे पास बहुत कुछ है करने को। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से बाहर चला गया। डरपोक, राजीव ने मन ही मन उससे कहा। राजीव, जैसे ही उसकी तरफ ये ठंडी और नर्म आवाज आई, राजीव ने उस ओर देखा और कहा, हाँ बड़े भाई। अजय ने कहा, हम उसे अतीत का पता नहीं चलने दे सकते। राजीव सहमत हो गया। हाँ भाई, उसके बारे में जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है उसे मिटा दो। देखते हैं कि आप ये सब मुझसे दूर कैसे करते हैं। अजय को खुद से नफरत होने लगती है ये सब करने की वजह से, लेकिन वो 2 साल और 7 महीने से उसे देख रहा था। उसने देखा कि वो कितने दर्द में थी, कैसे उसके परिवार वाले उसके साथ बिहेव करते थे। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। जब तक वो यहाँ है वो फिर से वही दर्द महसूस नहीं करेगी। वो उसे कभी भी दुख और निराशा का अनुभव नहीं होने देगा। उधर यूनाइटेड किंगडम में शर्मा कॉरपोरेशन हमेशा की तरह व्यस्त था। फर्क सिर्फ इतना था कि हर कोई बिजी था। अगर जरूरी ना हो तो भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। माहौल एक मिडिल स्कूल की तरह था, जहां एक गुस्से वाला प्रिंसिपल दौरे पर था। और वो क्यों था? क्योंकि उनका बॉस एक बुरे स्वभाव वाले प्रिंसिपल की तरह बुरे मूड में था। कुछ एम्प्लॉई डर की वजह से गहरी सांसें ले रहे थे। आखिरी बार बॉस ने कब नॉर्मल बिहेव किया था? शायद 9 महीने पहले की बात है। मिस्टर शर्मा के रूम से एक जोरदार आवाज आई। असिस्टेंट राहुल अपने बॉस को इस तरह देखकर कांप रहा था। 20 मिनट पहले। सर, राहुल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। अंदर से एक ठंडी आवाज आई। राहुल ने बड़ी मुश्किल से कहा, आज वो बहुत बुरी खबर लाया है, उनके खराब था। जब से वो इटली से आया था उस दिन में ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब उसने पहले की तरह नॉर्मल रूप से बात की हो। उन्हें एक अलग तरह की चमक मिली जो 9 महीने पहले थी उससे ठीक अलग। भगवान से चुपचाप प्रार्थना करने के बाद राहुल अपने ऑफिस के अंदर चले गए। वहां उन्होंने अपने बॉस और उनके छोटे भाई को देखा। क्या तुम्हें कुछ मिला? कमरे के अंदर एक ठंडी आवाज गूंजी। राहुल ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जिन गैंगस्टर्स के बारे में हम तलाश कर रहे थे वे नहीं मिल पाए। ऐसा लगता था जैसे उनके बारे में जानकारी देने वाली हर छोटी चीज को इस दुनिया से मिटा दिया गया हो। राहुल एकदम से चौंक गया और लगभग कूद गया जब उसके मालिक ने सामने मेज पर जोर से मुट्ठी मारी। और क्या? फिर सोचते हुए उसने कहा, हमें कुछ लीड्स मिली हैं जिसने हमें उस लड़की के बारे में जानकारी दी। हमने 8 महीनों की कड़ी खोज के बाद कुछ फुटेज हासिल किए हैं। राहुल के बॉस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कांपते हाथों से राहुल ने अपने बॉस को लिफाफा दिया।
बॉस ने लिफाफा खोला और तस्वीर देखने लगा। तस्वीरों में कुछ गैंगस्टर और एक लड़की साथ थे। बदमाश ने उस लड़की के शव को उठाया और फिर नदी में उस लड़की को फेंक दिया। गैंगस्टर बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे 9 महीने पहले मिलान में थे, और ये लड़की भी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। बॉस ने अपना ग्लास उठाया और इसे दीवार पर मार दिया। राहुल के पैर डर की वजह से कांपने लगे। उसने दूसरे मालिक की ओर देखा जो सोफे पर शांति से बैठा था। जाओ यहां से, उसके बॉस ने जोर से कहा। जी जी बॉस। राहुल ने तेजी से कमरे को छोड़ दिया कि अगर वहां कोई प्रतियोगिता होती तो पीटी उषा भी फेल हो जाती। वो दिल रोने लगा। वो सोचता है कि बॉस का गुस्सा इतना भयानक क्यों हो गया। मिस्टर शर्मा गुस्से से कांप रहे थे। वो खुद से ही बात करते हैं, क्या वो मर चुकी है? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा है। इटली में हुई उस घटना के बाद वो ठीक से सो नहीं सका। हर रात वो एक ही सपना देखता, एक सपना उस लड़की का, जैसे वो नदी के किनारे लेटा हुआ है। जैसे ही वह उसके पास जाने लगता है, वह लड़की उसे निराशा से देखती है और फिर उसे देख के मुस्कुराती है, जैसे वो उसे एक प्यार भरा जीवन जीने के लिए आशीर्वाद दे रही हो। फिर उसे सर पर चोट लगती है और खून बहने लगता है, और खून से उसका पूरा चेहरा कवर हो जाता है। उसे लगा जैसे वो पागल हो रहा है, उसकी रगों में खून उबल रहा था। मेरा दिल कह रहा है कि वो जिंदा है। हाँ, वो मर नहीं सकती, उसे ढूंढा जाना चाहिए, उसे जिंदा होना चाहिए।